ओम शांति। आज मैं आपके सामने उन मोमिनों के भ्रम दूर करूंगी जो शिवलिंग को देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हैं और वो सोचते हैं कि ये एक नर की प्राइवेट पार्ट्स हैं और उसको उस पे शर्म खाते हैं और उस पे हंसी उड़ाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। तो और ये भी कहते हैं कि हम इतना दूध क्यों चढ़ाते हैं और इससे तो गरीबों को दूध बांटना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो शिव है वो हम ईश्वर को जो सनातन धर्म है उसमें ईश्वर को साकार रूप में यानी कि एक फॉर्म रूप में और एक निराकार रूप में यानी कि एक फॉर्मलेस रूप में। तो हम ईश्वर को साकार या निराकार किसी भी रूप में उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। तो जो शिव है उसकी जो जो ईश्वर है उस वो ना तो नर है और ना मादा, उसके अंदर दोनों ही जेंडर्स मौजूद हैं। तो जो शिव है उसमें जो शक्ति है वो फेमिनाइन पार्ट है और जो मेल पार्ट है वो शिव है। तो जो शिवलिंग है उसमें जो ऊपर का जो पोर्शन है वो पराशिव को दिखाता है और जो नीचे का पोर्शन है वो पराशक्ति को, जो शिव की शक्ति है यानी कि स्त्री फॉर्म है और जो ऊपर है वो मेल फॉर्म है। तो श्वेता श्वेता श्वतरा उपनिषद से मैं बताती हूँ कि लिंगम का मतलब चिन्ह है और ये एक श्वेता श्वतरा उपनिषद कहता है कि शिव जो है वो एक सुप्रीम लॉर्ड है, उनके कोई लिगुआ नहीं है। लिगुआ मतलब फॉर्म नहीं है, तो वो एक ट्रांसेंडेंट है। तो अगर आपसे बोलें कि ईश्वर का रूप बताओ तो आप कैसे बनाएंगे? अगर आप कोई तस्वीर नहीं बनाते, अगर आप कोई मूर्ति नहीं बनाते तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये लिंग जो है, जो लिग बोलते हैं कि वो एक ट्रांसेंडेंट फॉर्म है जो जिसका कि कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और ना ही कोई जेंडर है। जेंडर को मुझे हिंदी में बोलना नहीं पता, मतलब कि जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स ही बोलूँगी। तो ये नहीं पता कि वो ना नर है या मादा है। तो ऐसे आकारहीन को बनाने के लिए ये लिंग है और शिवलिंग जो है वो ईश्वर है। और जब यूनिवर्स का अस्तित्व आया उससे पहले का ये शिवलिंग जो है हम ईश्वर का रूप मानते हैं क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है और ना ही कोई उसका जेंडर है कि वो आदमी है या औरत है। तो हम उसको इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो लिंग पुराण कहता है प्रधानम प्रकृतिर यदा होर्लिंग उत्तम गंध वर्ण रसहीनम शब्द स्पर्शादिवर्जितम। तो नेचर जो है वो ही एक लिंगम है। लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो ये एक ईश्वर का चिन्ह है। तो जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उसका क्रिएटर, उस प्रकृति को बनाने वाला कौन है? शिव है। शिवलिंग जो है वो एक चिन्ह है शिव का और शिव जो है वही डिस्ट्रॉयर भी है। स्कंद पुराण कहती है कि आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयः सर्व देवानाम लयनान्निमुच्यते। तो जो इसका मतलब है कि जो एंडलेस स्काई है, मतलब जो ऐसा आकाश जिसका कि कोई छोर नहीं नजर आ रहा है वही लिंग है। और जो पृथ्वी है वो इसका बेस है। मतलब कि अगर आपको वो याद होगा कि ऊपर का फॉर्म जो था वो शिव था और नीचे का फॉर्म जो था वो एक शक्ति था। तो जो शक्ति है वो अर्थ है, शिव की शक्ति जो फेमिनाइन शक्ति है और शिव पुरुष है। तो जो पुरुष है वो आकाश, जो विस्तारहीन आकाश है और जो शक्ति है वो अर्थ है। और जो जब समय का अंत होगा तो एंटायर यूनिवर्स वो इस लिंग में समावेश कर जाएगा। और भी बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं लिंगम के जो संस्कृत से हैं। श्वेताष्टक उपनिषद में सांख्य वैशाषिका और दूसरे टेक्स्ट से ये मिलते हैं कि एक फॉर्मलेस ब्राह्मण जो है ये है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक सर्कुलर बेस होता है जिसको पीडम कहते हैं
और ये सभी गर्भगृहों में शिव शिव जो मंदिर है उनमें होता है। तो लिंगम को प्रयापास कहते थे, जो रोम थे उन्होंने इस शिवलिंग को यूरोपियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया। और शिवलिंग बहुत पुराने पुराने शहरों में पाए जाते हैं, बहुत प्राचीन बेबीलोन सिटी में और एंशंट मेसोपोटामिया में भी आर्कियोलॉजी में ये पाए गए, और हड़प्पा मोहनजोदारो में भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये बहुत इवॉल्व्ड कल्चर है। शिवलिंग के तीन भाग हैं, जो बॉटम पार्ट है वो धरती के नीचे रहता है, जो मिडिल पार्ट है और उसके 8 साइड्स पेडेस्टल हैं, और जो टॉप पार्ट है उसको हम पूजा करते हैं। तो जो ब्रह्मा जो है वो सबसे नीचे है, विष्णु मिडिल में है और शिव सबसे टॉप पे है। तो जो पेडेस्टल है उसका, उसमें इस तरह का बनावट है कि सारा जो हम पानी या दूध चढ़ाते हैं वो सारा एक से निकल जाता है। तो ये लिंग जो है बहुत क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव पावर रिप्रेजेंट करता है। और जो नील बोर था उसने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके एटम्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये शिवलिंग को बनाते हैं। तो अब हम पुराने ज़माने में तो ये वाले शब्द यूज़ नहीं करते थे, तो हम ये यूज़ करते थे विष्णु ब्रह्मा शक्ति और लिंगम, इस तरह के शब्द यूज़ करते थे। तो बोर मॉडल कहता है कि सारे जो एटम्स हैं वो ऑर्बिट कर रहे हैं डिफरेंट एनर्जी के न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के आसपास घूमते हैं। तो शिवलिंग जो है वो एक बोर मॉडल रिप्रेजेंट करता है कि ब्रह्मा ने ये संसार बनाया, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और एनर्जी है वो शिवलिंग है। विष्णु जो है वो प्रोटॉन है इलेक्ट्रिकल चार्ज, और जो महेश यानी कि शिव है वो न्यूट्रल चार्ज है, और जो ब्रह्मा है वो नेगेटिव चार्ज है, और शक्ति जो है वो डिस्क है। रेफरेंसेस हैं स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिवलिंग, और जो मैंने इमेजेस लिए हैं वो विकिपीडिया से। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये जो फ्री का जो मैंने बनाया है ये 10 ही मिनट का होता है, तो मुझे इसी में ख़त्म करना है। अमरनाथ जो है उसमें एक आइस का जो है बनता है अपने आप से शिवलिंग, हमेशा हर साल जो लोग देखने जाते हैं अमरनाथ पे। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें इतना विष निकला था जिसको हलाहल कहते थे, तो वो सारा शिव जी ने ग्रहण कर लिया। तो इतने सारे पॉइजन को ग्रहण करने से जो है वो उन्हें गंगा जल चढ़ाया गया, गंगा पूरी उनके ऊपर आनी पड़ी उनको कूल डाउन करने के लिए। तो जो लिंग है उसको कूल करने के लिए उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं, और जो दूध है वो भी हम शुद्ध दूध नहीं चढ़ाते कि हम उसे वेस्ट करते हैं, हम बहुत सारी बाल्टी भर के पानी में थोड़ा सा दूध मिला देते हैं, उसको चढ़ाया जाता है। खालिस दूध इस तरह से नहीं चढ़ाया जाता है जैसा कि आप लोग समझते हैं, और वो भी उसे चरणामृत की तरह लोगों में बांटा जाता है। तो शिवलिंग पर क्यों दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि जो है बहुत सारी दूध जो होता है वो प्योर सब्सटेंस माना जाता है। वैसे तो अभिषेक लिंग का बहुत तरह से किया जाता है, दूध एक वस्तु है, शहद से और बहुत तरहों से होता है उसका अभिषेक। मैं सारी लिस्ट नहीं लेकर आई हूँ, पर दूध जो है वो एक प्योर प्योर पदार्थ है, और इसलिए उसको अगर हम यूज़ करें तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उसको चढ़ाने से जो भी हम लिंग को अर्पित करते हैं वो एक्चुअली में वो हमें अर्पित हो रहा है, क्योंकि वो हमारे जीवन में आ रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। तो अगर जो चीज़ वो लिंग को चढ़ाएंगे तो वो असल में ईश्वर उनको प्रदान करेगा, तो वो चीज़ उनके पास उलट के आएगी, और इसलिए ये पॉजिटिव फ्लो के लिए और उनको आशीर्वाद मिलता रहे और ये प्राप्त होता रहे, इस वजह से इसको हम चढ़ाते हैं। तो यहीं पर मैं समाप्त करूंगी, और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये भ्रम दूर हो गया होगा कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं, और ये दूध जो है वो बहुत डाइल्यूटेड होता है। तो धन्यवाद, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और श्रमदान करें मुझे सपोर्ट करने के लिए, एटलीस्ट 2 लोगों को, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनली जाके बतानी है। अगर आप मुझे सचमुच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना होगा। धन्यवाद, आपका दिन बहुत अच्छा बीते।